चिकन है, तो इसका क्या क्या फॉर फोटो? 20 दिरहम। Yo, what's up everybody, क्या हाल चाल। सो आज का जो ब्लॉग है, मैं फिलहाल घर आ चुका हूँ दुबई से वापस, बट जो दुबई की सीरीज है अभी उसमें भी दो तीन ब्लॉग बाकी है। तो ये ब्लॉग बेसिकली क्या है, इसका इंट्रो शूट मैंने नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका इंट्रो शूट करके आपको उस ब्लॉग के बारे में पहले समझा दूँ। तो इस ब्लॉग में अंदर कुछ ऐसा है कि हम जब जाते डेजर्ट सफारी के लिए, तो हम जब होटल से निकले उसके बाद हम एक स्टॉप पर रुके, जहाँ पर जो है आप जैसे मोटर ऑफ-रोडिंग बाइक्स होती है ना, तो वो वहाँ पर रेंट पर मिल रही थी, तो वो मैंने और जसमोहन ने एक बाइक जो है रेंट पर लिया। उसके बाद उस बाइक के साथ हमारा जो हंगामा हुआ है वो आप इस व्लॉग में पूरा देखेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग होगा हाफ व्लॉग उसके बाद आएगा डेजर्ट सफारी का। सो मेक श्योर पूरा व्लॉग लास्ट तक देखिएगा एंड मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो डेजर्ट सफारी के लिए गाड़ी आई है, दैट इज द वन एंड ओनली लैंड क्रूजर, सो लेट्स सिट इनसाइड। सो ये अभी फिलहाल जो है दुबई के अंदर मुझे फाइनली कुछ कारें जो मेरे मतलब के सुनाई के देने मिल रहे हैं। तो ये हर आदमी गाना गेस करो कौन सा गाना है, एक कमेंट जरूर करना इस गाने को गेस। उत्ते जिथे असि शामी जावांगे जिथे कैंप ने वो नॉर्मल डेजर्ट सफारी है, इत्ते रेड डून सफारी है। ते आपा केड़ी करन चले हैं सर? आपको हर एक चीज पता चलती रहेगी। तो आप सामने देख सकते हो वहाँ पे सारे अब डेजर्ट शुरू हो गए एरिया में, और सारी तरफ चारों तरफ अब डेजर्ट आ गए हैं, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत कलर है इसका। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, और इसके अलावा सॉफ्ट है, आप हाथों में बिल्कुल रेत उठा लें फिर हाथ ऐसे साफ करेंगे ना पता भी नहीं चलेगा आपने रेत उठाई है, रेत को आपने टच किया है। और ये खास रेत है, नॉर्मल ड्यून्स नहीं है, बड़े बड़े ड्यून्स है यहाँ पे जो सफारी में बहुत मजा आता है। अभी देखते हैं कितना मजा आएगा। सब यहाँ पर हम रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, चलिए उतरते हैं। तो ये है जो मैं आपको गाड़ी एक बार दिखा देता हूँ, ये है लैंड क्रूजर, जो कि मेरी तो फेवरेट कार में से एक है। सो अभी यहाँ पर रुके, और अभी चारों तरफ जो है रेगिस्तानी रेगिस्तान है, वो देखिए यार वहाँ पे भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके टायर्स की हवा चेक होगी और हम कुछ खाते हैं इतनी देर में, और आफ्टर दैट हम सफारी के लिए निकलेंगे। तो हमारा फिलहाल एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि सबसे आगे कौन बैठेगा, क्योंकि मैं सबसे पहले आगे बैठ चुका हूँ, तो हम देखते रहेंगे बीच बीच में क्लिप्स एक दूसरे से शिफ्ट करते रहेंगे। और मेरा सबसे बड़ा प्लान यही है कि वहाँ जाकर मुझे ईगल के साथ एक फ़ोटो करानी है, क्योंकि मेरा यू नो बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार कुछ ऐसा हो और ईगल के साथ, क्योंकि मैं एनिमल तुम्हें पता ही है यार, कोई भी हम तो शेर के साथ में फ़ोटो खिंचवा लेंगे अल्लाह शेर मुझे ना खाए। तो ये चीज़ ना आप जहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपको ये कुछ टाइम के लिए आप इसको रेंट पर ले सकते हैं, और आपको क्या अंदर जा सकते हैं, आप दो जानों की सीटर भी है और सिंगल सीटर भी है, आप अंदर जाएँ, आप अंदर जाकर जो है अपनी फ़ोटोज़ वगैरह करा सकते हैं रुककर, और एक्सचेंज कर सकते हैं। और इन्होंने पूरे पाथ बनाए हुए हैं, जैसे देखो निकल रहे हैं, ये पूरा आप डैन में जाके है ना, सैन बिल्कुल बीच में जाके अपना गाइड कर सकते हैं। सो ये फैल्कन है, तो इसका क्या क्या फॉर फोटो? 20 दिरहम। सो ये 20 दिरहम है एक फ़ोटो के लिए, कितना प्यारा है। सो अभी चलिए बैठते हैं, और पहले कितों बैठी है, कितों बैठी है सर? बैठ, बैठ, पीछे बैठो ना। तो अभी निकल पड़े हैं। Oh my god.
भाई तो बोल रहा हूँ तो यहाँ की जो सैंड है असलियत में देखो सारी हाथ से साफ हो गई। वाओ फिलहाल अभी रेगिस्तान के बीच में है और ये राइड करने चल रहा हूँ, मजा आएगा बहुत ज्यादा। चलिए इसको राइड करते हैं। फेल दिस फेल तो बोलता को नहीं मैं। ये भाई ये क्या ये हाँ। Yeah, one life, baby. One life. मजा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा amazing. वो पहल सबसे तो है नहीं ये. बड़ी कदर ना आ यार ये तो. भाई घंटा नहीं बहुत ही अच्छा. तो अभी चलते हैं, अभी फिलहाल फिर से जसमोहन की बारी है। विमान के कप्तान जसमोहन सिंह हो गया क्या टूटा क्या कुछ नहीं टूटा तो ये देखो बच गए यार। मैं इसको बोल रहा था कि भाई थोड़ा प्यार से चला पर रही।